हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास सेकेंड सब्जेक्ट मैथ्स। बच्चों, कल मैंने आपका टेस्ट लिया था, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, और आज मैंने आपको आज के लिए बता दिया था कि मैं आज आपका नंबर लाइन का रिवीजन टेस्ट लूँगी, ठीक है? तो आपने अच्छे से तैयारी की होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको टेस्ट किस प्रकार से देना है। डेट मेंशन करेंगे, ओके, उसके बाद रिवीजन टेस्ट डालेंगे, फिर ये इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ। यूज़ द नंबर लाइन टू राइट द नंबर इन द ब्लैंक सर्कल। जो ब्लैंक सर्कल दिया है, इसमें पहले आप इसको प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? 603 कितना होगा। उसके बाद आप इस तरीके से नंबर लाइन बनाएंगे। आपको पता है 0 से स्टार्ट होके और 10 तक एंड हो जाती है यहाँ पर, ठीक है? तो आप पहले नंबर लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद ये प्लस करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से आप यहाँ पर ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन है कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर आप पहले पूरी नंबर लाइन बनाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर सर्कल में 2 + 7 कितने होते हैं वो लिखेंगे, 10 में से -4 हुए कितने लिखेंगे, फिर आप नंबर लाइन पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है? अब बच्चों, उसके बाद हम करते हैं अपना होमवर्क। आपके एडिशन हो गए थे होमवर्क में, ओके। ये हमको वर्क करना है CW नोटबुक में। टेस्ट हमें टेस्ट नोटबुक में देना है, और ये वाला वर्क हमें फेयर कॉपी में करना है, जो हमारी CW नोटबुक है, ओके। इसमें आपको क्या करना है, टॉपिक डालना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है? डेट मेंशन करनी है सब्ट्रैक्शन। ये देखिए, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है, ये आपको मैंने एक करके बता दिया है, ये सारे आपको करने हैं। उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन विथ बोरो वाले बोरिंग, ठीक है? मतलब इसमें हम बोरो लेते हैं। जब हमारा जैसे 8 है और 4 है, अब 4 यहाँ पर 84, यहाँ पर 65, ठीक है? तो 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक बोरो लेंगे। तो बोरो जब हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ये 1 से ये 10 से, हम यहाँ पर बोरो लेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है? जब 10 आ जाएगा तो 10 और 4 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 4 हमने काट दिया, ये 14 यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, अब जब यहाँ से हम 1 ले लेंगे, तो यहाँ 8 है, 8 में से हमने 1 ले लिया, इधर के लिए बोरो ले ली, तो यहाँ पर कितने रह गए हमारे पास, 7 रह गए, ओके बच्चों? अब देखिए, 14 में से हम 5 को माइनस करेंगे, तो यहाँ मैंने लाइन खींच ली है 14, उसके बाद हमने 5 माइनस किए। देखिए, मैं काउंट करके आपको बताती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसमें से हमें 5 माइनस करनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 माइनस करिए, हमारे पास कितनी बची हैं, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? 9। उसके बाद यहाँ पर 7 है, 7 में से 6 जाएंगे तो माइनस हो क्या आएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है? तो ये हमारा मैंने आपको एक करके बता दिया है। अब ये सारे आपको अपने आप करने हैं, ओके बच्चों? तो पहले आप अच्छे से टेस्ट देना, बिना चीटिंग कोई नहीं करेगा, और उसके बाद आप अपनी फेयर कॉपी में ये आप होमवर्क करना, ओके बच्चों? नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है सारे बच्चों को।